यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, जिससे हमारी जो पूरी टीम और ज्यादा मोटिवेट हो सके और भी ज्यादा पॉलिश्ड कंटेंट हम इस चैनल पर पोस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक कार्ट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है और जिसको ए नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया जाता है। तो इस कार की रूफ से अटैच्ड एक पेंडुलम है, इसका मास हमें नहीं दिया है। तो पेंडुलम का जो पोजीशन है वो वर्टिकल से हो जाता है टिल्टेड, और वो जो एंगल है वर्टिकल से एंगल थीटा के ऊपर टिल्ट हो जाता है परमानेंटली। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमें फ्रेम चेंज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। यदि हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, क्योंकि कार्ट एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए इस फ्रेम में स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस कार्ट के अंदर जो पेंडुलम है, पेंडुलम, इस पेंडुलम के ऊपर आप एक स्यूडो फोर्स लगा दीजिए, जिससे हम न्यूटन्स लॉ अच्छे तरीके से लगा सकें। स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मान लिया एम, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विच इज ए नॉट। ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू है। इसके ऊपर और फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके ऊपर एक लग रहा होगा mg के बराबर, और स्ट्रिंग की वजह से एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग, वो मान लिया मैंने t के बराबर। ये एंगल क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, और अब मैं कह सकता हूं कि ये कार्ट के रिस्पेक्ट में ये बॉल जो है ये मूव नहीं करती है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं इसके पास कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो के बराबर है। तो ये एंगल थीटा है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहां पे बना देता हूं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल विल आल्सो बी थीटा। ये टेंशन टी है, तो ये हो जाएगा आपके पास टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास टी साइन थीटा। तो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वेट कर सकते हैं, और इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहां पे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एक आपको मिल जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर टू आपको दिया हुआ है कि एक लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी यदि इस फ्लोर की वजह से जो फोर्स लगता है वो एम जी बाय फोर के बराबर है। फोर्स की वजह से, इस फ्लोर की वजह से जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी बाय फोर लगना चाहिए, तो कितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लिफ्ट का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे ग्राउंड फ्रेम में करें या इसे आप लिफ्ट के फ्रेम में करें। तो मैं ग्राउंड फ्रेम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ऑब्जर्वर जो इस क्वेश्चन को देख रहा है, इस सिचुएशन को देख रहा है, वो ग्राउंड पर है। तो भाई देखिए, ये नीचे ब्लॉक है जिसका मास है एम, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखिए, जमीन की वजह से एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, मैंने मान लिया एम, एक इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एम जी, और क्योंकि ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, लिफ्ट से अटैच्ड है ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा। तो नीचे की तरफ मैंने मान लिया एक्सेलरेशन ए के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मल की जो वैल्यू है वो एम जी बाय फोर के बराबर है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स देखिए कौन कौन से लग रहे हैं, एम जी बाय फोर जे कैप, और एम जी जो है वो माइनस जे कैप है, इज इक्वल टू मास इनटू एम इनटू एक्सेलरेशन ए माइनस जे कैप, ए माइनस जे कैप। तो आप माइनस माइनस हटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3mg by 4 minus j cap is equal to m a minus j cap। माइनस j cap से माइनस j cap चला गया, m से m चला गया, तो आ जाएगा आपके पास a is equal to 3d by 4, a is equal to 3d by 4। ठीक, माइनस j cap से माइनस j cap आप कैंसिल आउट नहीं कराया, हमने बेसिकली इसके कॉफिशियंट्स को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये दोनों तरफ स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब कहा गया है कि यदि इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस कर दिया जाए किसी भी डायरेक्शन में, इधर कर दें, आंसर सेम आएगा। तो और रिली इसको x डिस्प्लेस कर दिया जाए, और x डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिया जाए, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जब हम इस मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसको हमने लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, तो आपके पास डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि ये आपके पास इनिशियल पोजीशन है, यहाँ आ चुका है ब्लॉक, और ये वाली जो स्प्रिंग है ये एक्स यदि मैंने डिस्प्लेस किया है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, और उस कंप्रेशन की वैल्यू कितने होने वाली है, एक्स के बराबर। और ये यदि एक्स इधर जाएगा तो ये ब्लॉक, ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी एक्स अमाउंट से,
इस राइट वाली स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी एक्स, लेंथ एक्स से बढ़ जाएगी, लेंथ एक्स से कम हो जाएगी। तो स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो स्प्रिंग धक्का देती है, और स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग अपनी ओर खींचती है। तो इस ब्लॉक के ऊपर बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक फोर्स लगेगा राइट वाली स्प्रिंग की वजह से, दैट विल बी के एक्स, और लेफ्ट वाली स्प्रिंग इसको धक्का देगी क्योंकि लेफ्ट वाली स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया है, तो एक फोर्स और लगेगा इसके ऊपर के एक्स। ये दोनों फोर्सेस जो है ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं, तो हमें इस डायरेक्शन में ही इसका मोशन होगा। तो इसी डायरेक्शन में फोर्सेस की हम बात करेंगे, तो मैं यहां लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो एफ इज इक्वल टू एम एम लगा सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फोर्स कितना लग रहा है, के वन एक्स प्लस के टू एक्स, के वन के टू है, के वन के टू इज इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का एम, एक्सीलरेशन ए, तो ए आ जाएगा आपके पास के वन प्लस के टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, दिस विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज वी रिलीज दिस फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजिशन। आगे क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है कि ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो आपको बताना ये है कि t इज इक्वल टू 2 पर, t इज इक्वल टू 2 पर जो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा। देखिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, देखिए स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ये आप लिख सकते हैं dv / dt, और dv / dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और यदि मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स मिल जाएगा। तो मैं यदि ग्राफ का स्लोप निकाल देता हूं एस टी इज इक्वल टू 2 पर, तो मुझे मास से मल्टीप्लाई करना होगा और हमें फोर्स मिल जाएगा। तो देखिए ये जो पूरा ग्राफ है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है, चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब जगह स्लोप जो है वो समान है। तो मैंने मान लिया कि एंगल थीटा है, आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए इस तरह से, तो इस वाले ट्राइंगल में, ग्रीन वाले ट्राइंगल में ये जो साइड है ये कितना है आपके पास 15, ग्राफ में देख सकते हैं ये 15 है, यहां से लेके यहां तक कितना है ये 3 के बराबर, तो आप 10 थीटा लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 10 थीटा, 10 थीटा स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, कितना आ जाएगा 15 बाय 3, कितना आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर, तो स्लोप मिल गया 5 के बराबर। तो दोस्तों स्लोप है 5 के बराबर, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास है 50 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, तो 50 बाय 1000, तो आपको मिल जाएगा ये 0.25 न्यूटन के बराबर फोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, सवाल सिंपल था। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है कि एक रोप है जिसका मास है कुछ, मास है 3 kg और उसकी टोटल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एक फुट, लगभग एक फुट हमारे पास ये रस्सी है, और रस्सी का मास दिया हुआ है 3 kg। इस रस्सी के एक तरफ 32 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और दूसरी तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, यहाँ 32 है, ये 20 है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये रुकेगी नहीं, रेस्ट पर नहीं रहेगी, ये एक्सीलरेट हो रही होगी, ये मूव कर रही होगी विद सम एक्सीलरेशन ए, पूरी जो रस्सी है ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही होगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस 10 सेंटीमीटर पार्ट के द्वारा इस 20 सेंटीमीटर पार्ट पर कितना फोर्स लगाया गया, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर लेंथ की रस्सी द्वारा इस 10 सेंटीमीटर लेंथ की रस्सी पर कितना फोर्स लगाया। हम जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना फोर्स ये इस पर लगाएगी उतना ही फोर्स ये इस पर लगाने वाली है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं इस रस्सी के इस लाइन के लेफ्ट वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाऊंगा और इस लाइन के राइट वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाऊंगा, देखिए कैसे। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका मास आप कह सकते हैं कि 1 केजी के बराबर होगा, बिकॉज यूनिफॉर्म रस्सी है, 30 सेंटीमीटर का मास 3 केजी, तो 10 सेंटीमीटर का मास 1 केजी। इस 1 केजी के ऊपर फोर्स लग रहा है भैया कितना, 20 न्यूटन के बराबर फोर्स है, तो ये भी फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन के बराबर, आइडियल स्ट्रिंग है। मैंने मान लिया कि फोर्स इसके ऊपर लगता है एफ के बराबर। अब देखिए भाई, आप ये तो जानते ही हैं स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है कि रस्सी का ये पार्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, इस तरीके से जो है ये फोर्स लगाते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको खींचता है अपनी ओर, ये वाला पार्ट जो है इसको अपनी तरफ खींचता है, तो इस वाले पार्ट के ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा और उतना ही फोर्स इस 2 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर लगेगा। 2 केजी का ब्लॉक मतलब ये पार्ट जो है 2 केजी इसका मास है, तो ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर एफ के बराबर, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा 32 न्यूटन के बराबर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब दोनों पार्ट्स का एक्सेलरेशन बराबर होगा, जितने एक्सेलरेशन से ये जाएगी उतने एक्सेलरेशन से ये जाएगी, क्योंकि ये दोनों जुड़ी हुई है एक दूसरे से,
तो इसका एक्सेलरेशन भी ए और इसका एक्सेलरेशन भी ए। अब न्यूटन सेकेंड लॉ आप यहां पे लगा सकते हैं, यहां पे मिलेगा आपको एन एफ सॉरी एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इनटू ए इक्वेशन नंबर 1, और इसमें आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा 32 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इनटू ए इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और एक्सेलरेशन से आपको फोर्स मिल जाएगा, या फिर इनको डिवाइड कर सकते हैं, अभी आप इनको डिवाइड कर देंगे तो आप ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा एफ माइनस 20 डिवाइडेड बाई 32 माइनस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व कर लेंगे आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये 1 kg का ब्लॉक और 1 kg का ब्लॉक इस तरह से लगा हुआ है, और ये जो वेज है इसकी साइड्स आपको दे रखी है 3, 4, 5 नंबर। जैसे ही आपको देखे ट्राइंगल में तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल होगा 4 और 5 के बीच में 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये होने वाला है 53 डिग्री। सिंपल। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का कितना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलेंगे तो इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। अब ये ब्लॉक इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इस बात को बताने के लिए आप इनके ऊपर फोर्स देखिए किस तरफ है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg sin 37, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में mg sin 53। ये इनके ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, और sin 37 आप जानते हैं कितना होता है, 3/5 के बराबर। तो जब आपके पास ये 30/5 इज इक्वल टू 6 न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो इस ब्लॉक को पुल कर रहा होगा, और एम जी साइन 53 की बात करेंगे तो आपको मिलेगा ये 10 इंटू साइन 53 इज 4/5, तो आ जाएगा आपके पास ये 8 न्यूटन। तो इस ब्लॉक को पुल करने वाला फोर्स है 8 न्यूटन, इस ब्लॉक को पुल करने वाला फोर्स है 6 न्यूटन, तो इसका मतलब ये ब्लॉक जो है ये इस तरफ जाएंगे, ये ए है और ये होगा ए। इनसे कनेक्टेड रस्सियों में हम बता सकते हैं टेंशन मान लिया टी के बराबर, और यहाँ पे भी टेंशन होगा टी के बराबर। तो आपको दो इक्वेशंस बनानी हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा t माइनस सिक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 1, और इसके लिए लिखूंगा मैं 8 माइनस टेंशन t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2। ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको दिया है कि ये दो मंकी हैं, और नीचे वाले मंकी का मास है 2 kg और ऊपर वाले मंकी का मास है 5 kg। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो बंदर है ये चाहता है कि रस्सी पर ऊपर चढ़े और इसको साथ में लेके ये जाए। ये ऊपर चढ़ रहा है रस्सी पर, इस स्ट्रिंग पर, ये ए जो बंदर है ये ऊपर चढ़ रहा है, बी इसकी पूंछ पे लटका हुआ है, और ये इसको साथ में लेके जाना चाहता है। पूंछ से कनेक्टेड है बी बंदर, तो या तो अपनी पूंछ को लेके जाएगा साथ, या इसकी पूंछ टूट जाएगी। बहुत पेनफुल है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एक बात और दी है कि यहाँ पे जो ये कनेक्टर है, ये जो इसकी पूंछ है, ये 30 न्यूटन का टेंशन सह सकती है। 30 न्यूटन के बाद जो है या तो यही छोड़ देगा रस्सी, या फिर इसकी पूंछ जो है वो साथ छोड़ देगी इसका। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स जो इसको लगाना पड़ेगा सो दैट ये भाई साहब इसके साथ चल सकें। तो देखिए मैं यहाँ पर दो केस ले रहा हूँ कि ये जो पूंछ है इसकी, ये जो पूंछ है, जब ये पूंछ के ऊपर फोर्स लगे 20 न्यूटन। देखिए 20 न्यूटन क्यों फोर्स लगा है, बिकॉज इस मंकी को यदि स्टेबल रहना है, जिंदा रहना है, तो इसके वेट के बराबर फोर्स इसको लगाना होगा। इसको रस्सी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तो रस्सी इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, ये मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इतना फोर्स तो मिनिमम लगाना होगा जिंदा रहने के लिए, 20 न्यूटन तो मिनिमम फोर्स इस स्ट्रिंग पे इसको लगाना होगा। अब 20 न्यूटन फोर्स इस पूंछ पर लगेगा, तो आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए बेटा, ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ए के ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और ए का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है आपके पास 50 न्यूटन, और ऊपर कितने फोर्स से ए रस्सी को खींचे वो मैंने मान लिया एफ के बराबर। तो भाई मिनिमम फोर्स की बात करें कि मिनिमम कि बस ये हवा में लटके हुए हैं, तो कितना फोर्स एफ हमें लगाना होगा। हम कहेंगे यदि ये जस्ट रस्सी पर लटके हुए हैं तो हमें F इज इक्वल टू 70 न्यूटन फोर्स लगाना होगा, जिससे पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रह सके। तो ये 70 न्यूटन तो मिनिमम फोर्स है कि जब दोनों जो हैं ये हवा में रुके हुए हैं, कोई भी एक्सेलरेशन इनके पास नहीं है। अब दूसरा केस ये है, यदि हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं कि इस पूंछ में जो टेंशन है 30 न्यूटन हो चुकी है, तो तब क्या होगा। ये केस नंबर 1 ले लिया हमने, केस नंबर 1,
केस नंबर टू कि जब पूंछ जो है वो जस्ट टूटने वाली है, पूंछ जो है जस्ट टूटने वाली है, तो देखिए इस पूंछ में फोर्स कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन के बराबर, या 30 न्यूटन इसका जो mg है वो लगा रहेगा, mg 20 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स यहां पे अनबैलेंस्ड है, तो इसका मतलब इस b के पास उस समय एक्सेलरेशन रहा होगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि टोटल फोर्स अपॉन मास दैट इज 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 kg का अंदर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब एक्सट्रीम सिचुएशन होगी तब पूंछ में टेंशन होगी 30 न्यूटन, और ये बंदर जो है एक्सेलरेट हो रहा होगा ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बंदर जो है इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी उस समय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा होगा। तो ए जो बंदर है उसका एक्सेलरेशन इस वाले केस में जब पूंछ में 30 न्यूटन टेंशन है एक्सेलरेशन रहा होगा 5 न्यूटन, ऊपर रस्सी पर इसने फोर्स लगाया होगा एफ, तो रस्सी ने फोर्स लगाया इसके ऊपर एफ, इसका मास कितना है भैया 50 न्यूटन, और पूंछ की वजह से फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन। आप फोर्स की वैल्यू यहां से बता दीजिए, तो फोर्स की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं F माइनस AT इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5, तो आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू 105 न्यूटन। यानी कि जब ये सिस्टम रेस्ट में है ऊपर वाला बंदर चल नहीं रहा है तो 70 न्यूटन फोर्स इसको लगाना होगा रस्सी पर, और जब पूंछ एकदम एक्सट्रीम केस में पहुंच चुकी है 30 न्यूटन इसमें टेंशन लग चुका है तो फोर्स हमें लगाना होगा 105 न्यूटन। तो कहा क्वेश्चन का आंसर आएगा कि 70 न्यूटन से 105 न्यूटन के बीच में आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए उसमें ये जो है पूंछ नहीं टूटेगी और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ये दो ब्लॉक्स हैं इनके एक्सेलरेशन हमें बताने हैं। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में मूवेबल पुली आती है इसका मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशन का हमें इस्तेमाल करना होगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन इस्तेमाल करना होता है जब मूवेबल पुली क्वेश्चन में होती है। तो भाई ये पुली तो फिक्स्ड है, इस छत से फिक्स्ड है ये वाली पुली, लेकिन ये जो पुली है ये छत से डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये मूव करने वाली है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी रस्सी में आप टेंशन मान लीजिए टी के बराबर, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन मान लिया टी के बराबर, तो इसमें टेंशन होगा टी के बराबर, यहाँ पे टेंशन होगा टी के बराबर, यहाँ पे टेंशन होगा टू टी के बराबर, यहाँ पे टेंशन होगा टू टी के बराबर। इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए ए के बराबर है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ए बी के बराबर। अब ए ए और ए बी में रिलेशन आप निकाल सकते हैं टेंशन वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंशन इंटू 2 के जी ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू टेंशन इन बी ब्लॉक 2 टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। तो टेंशन से टेंशन गया, आपके पास आया रिलेशन ए ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, ये रिलेशन आपको मिल गया। ठीक बात है, अब भाई इनका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए। तो 2 के जी की बात करें तो 2 के जी पर टेंशन है टी, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इसका मैंने मान लिया नीचे की तरफ है ए ए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दूसरे ब्लॉक का विच इज ऑफ 1 के जी। तो इसके ऊपर टेंशन है 2t के बराबर, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 10 के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माना है हमने ए बी के बराबर। तो एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां से, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है टी ए ए और ए बी, तीन हमारे पास इक्वेशन है, तीन हमारे पास वेरिएबल है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बना लेंगे इक्वेशन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक पर्सन है और एक पर्सन एक ब्लॉक पर खड़ा है, इसका मास है कैपिटल है, इसका मास है स्मॉल है। अब ये जो पर्सन है ये इस स्ट्रिंग को खींचता है F फोर्स लगाकर, तो स्ट्रिंग को खींचेगा तो ये जो है स्ट्रिंग इस ब्लॉक को खींचेगी, नीचे जो फट्टा लगा है उसको ये स्ट्रिंग खींचेगी। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि मैक्सिमम कितना फोर्स ये लगा सके सो दैट दिस फट्टा डोंट मूव, फट्टा चलना नहीं चाहिए। और क्वेश्चन में दिया है कि फ्रिक्शन है ग्राउंड के और फट्टे के बीच में। तो भाई देखिए जब आपको मैक्सिमम फोर्स लिखा हो, एक्सट्रीम कंडीशन लिखी हो, इसका मतलब हम लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, और दैट डज नॉट स्लिप की बात कर रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, यानी कि एफ एस मैक्स यहाँ पे यूज होने वाला है, दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा यदि आपके पास ये दो वर्ड्स लिखे हैं तो क्वेश्चन। तो अब आप क्या करिए, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का और इस पर्सन का, दोनों ही मूव नहीं होते हैं, ऐसा हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखिए भाई पहले इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसके ऊपर नीचे की तरफ, दैट विल बी कैपिटल एम इंटू जी। स्ट्रिंग को ये नीचे खींचता है तो स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रही होगी, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा स्ट्रिंग की वजह से, लेट्स से एफ के बराबर है वो, एफ फोर्स हो गया, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस फट्टे की वजह से, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आप यहां पे दिखा देंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन है। क्या ये मूव कर रहा है, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एफ प्लस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात है, अब बनाते हैं फट्टे का डायग्राम। फट्टे का डायग्राम बनाए तो ये फट्टा जो है
इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज स्मॉल एम इंटू जी, एक इसके ऊपर ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट विल बी नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, एन जी लिख दिया मैंने, एक नॉर्मल रिएक्शन उस इंसान की वजह से लगेगा तो वो मैंने मान लिया नीचे की तरफ, एन ड्यू टू दिस पर्सन, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होने वाली है म्यू एस इंटू नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, क्योंकि फ्रिक्शन बेटा ग्राउंड के और इस पट्टे के बीच में है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इन दोनों सरफेस के बीच में हमें लेना होगा, दैट इज एन जी के बराबर। और यहां देखिए फोर्स यदि एफ लगाता है रस्सी के ऊपर तो यहां पर भी फोर्स एफ लगेगा, तो यहां पर भी फोर्स एफ लगेगा, तो यहां पर भी फोर्स जो है वो एफ के बराबर लगने वाला है। तो आप इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम लगा दीजिए तो आपको मिलेगा एन जी इज इक्वल टू एन प्लस स्मॉल एम इंटू जी इक्वेशन नंबर टू, और एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन जी इक्वेशन नंबर थ्री। तो आपको F की वैल्यू मिल जाने वाली है और F जो है वो F मैक्स के बराबर होगा क्योंकि यहां पे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की एक्सट्रीम कंडीशन ले ली है, फ्रिक्शन की वैल्यू Fs मैक्स के बराबर हमने लगाई है, तो यही आपका आंसर होगा F की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ये तीन ब्लॉक जो है ये रखे हुए हैं, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.2 0.2 के बराबर है, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन 1 kg ब्लॉक्स का कितना होगा। तो पहले तो भाई आप ऐसे याद रखें कि जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो एक बार ये देख लीजिए क्या ये सिस्टम मूव करेगा भी या नहीं करेगा। यदि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो एक आंसर आ जाएगा आपके पास जीरो के बराबर। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं आंसर जीरो तो नहीं है, फ्रिक्शन के केस में आंसर जीरो तो नहीं आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे चेकअप? इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है भाई? 5 न्यूटन के बराबर, एम जी 0.5 × 10 5 न्यूटन। ये पुलिंग फोर्स है, इन दोनों ब्लॉक्स को पुल करने वाला फोर्स क्या है? 5 न्यूटन है। अब फ्रिक्शन देखिए कितना लग सकता है, तो मैं यहां पे म्यू की बात करूं, म्यू 0.2 है, और यहां पे नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल हम लिख सकते हैं एमजी के बराबर है, तो नॉर्मल की वैल्यू एमजी के बराबर है, तो ये कितना हो गया 10। तो फ्रिक्शन इनके बीच में कितना हो सकता है मैक्सिमम? एफ एस मैक्स कुड बी 0.2 × 10 दैट इज 2 न्यूटन, और यहां पे आएगा ये 2 न्यूटन। सिमिलरली यहां पे भी सेम डेटा है, तो फ्रिक्शन यहां पे कितना हो सकता है? 2 न्यूटन के बराबर। तो देखिए फ्रिक्शन जो इन ब्लॉक्स की स्लिपिंग को रोकना चाहता है वो टोटल 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 4 न्यूटन है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो 5 न्यूटन है। इसका मतलब फ्रिक्शन इनको रोक नहीं पाएगा, ये ब्लॉक जो है मूव कर रहे होंगे, ठीक बात? और ब्लॉक मूव कर रहे होंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा होगा। तो भाई मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए है, और इसका एक्सेलरेशन भी ए है। इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए। तो भाई ये जो 0.5 केजी का ब्लॉक है जो नीचे जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स है 5 न्यूटन, एक रस्सी में टेंशन मान लिया टी न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन मान लिया ए के बराबर, ठीक। और दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये 1 kg है और एक और 1 kg है, इस पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन काइनेटिक म्यू इंटू एन के बराबर विच इज 2 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स टी के बराबर लग रहा है, इन दोनों का एक्सेलरेशन ए ए के बराबर है। तो आप एक न्यूटन ब्लॉक इक्वेशन यहाँ लगा देंगे, टी माइनस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2, और एक यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे 5 - t इज इक्वल टू 0.5 × a इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन, दो अननोन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि ये ब्लॉक है और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशियंट जो है वो आपको दिया हुआ है 0.2 के बराबर, म्यू इज इक्वल टू 0.2। आपको पूछा गया है कि लेफ्ट और राइट स्ट्रिंग में टेंशन कितनी कितनी होंगी। तो इस क्वेश्चन में भी पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आंसर जीरो तो नहीं है, ऐसा ना हो ये पूरा सिस्टम मूवी ना करे, फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो। तो कैसे इसको चेक करेंगे? यहाँ पे एमजी कितना लग रहा होगा? 150 न्यूटन के बराबर, 150 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा? 50 न्यूटन के बराबर, और ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी जो है नीचे जाने की होगी, इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर जाने की होगी, इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर जाने की होगी। फ्रिक्शन जो है कितना लग सकता है मैक्सिमम? फ्रिक्शन की वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू एस इंटू एन, तो 0.2 × 50 कितना जाएगा आपके पास? ये 10 न्यूटन। तो ये ब्लॉक नीचे ले जा रहा है 150 न्यूटन से, ये रोक रहा है फ्रिक्शन 10 न्यूटन से, ब्लॉक रोक रहा है 50 न्यूटन से, तो 150 ज्यादा है 10 और 50 से 60 से, तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे जाके ही रहेंगे, तो आंसर जीरो तो नहीं होगा। इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए ए के बराबर है, इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ ए के बराबर, इसका एक्सेलरेशन भी होगा ए के बराबर, बिकॉज एक रस्सी से बंधे हैं ये, यदि ए से जाएगा तो इन दोनों को भी ए से जाना पड़ेगा। अब क्या करें, आप इनका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए और उन पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए, ठीक बात? और दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है म्यू इंटू एन के बराबर,
क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि स्टैटिक और काइनेटिक के कोफिशियंट्स अलग अलग हैं, तो आप इसी को ही काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट्स मान लेंगे, इसी को स्टैटिक मानना है। तो आप बनाइए एफबीडी, तो नीचे ये है 15 किलो का, ये 150, ये टेंशन टी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, ये जो है हमारे पास इनका मास है 5 kg, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा टेंशन टी, इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा टी डैश, और फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन विच इज 10 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन भी होगा ए के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर जो है 5 kg, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऊपर टी डैश के बराबर, नीचे फोर्स लग रहा होगा एम जी, और एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। इन तीनों के लिए आप न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाइए और आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक ब्लॉक जो है वो जमीन पर रखा हुआ है जिसका मास है कुछ m के बराबर, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है म्यू के बराबर, तो इस ब्लॉक पर फोर्स हमें लगाना है मिनिमम, सो दैट ये जो ब्लॉक है ये मूव करने लग जाए। कितना मिनिमम फोर्स हम इस पे लगाएं जिससे ब्लॉक मूव करने लग जाए। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में लगाना है, तो हम मान लेंगे कि इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया एफ के बराबर, और ये एंगल मान लिया थीटा के बराबर है, एंगल थीटा पर हमने फोर्स लगा दिया है। ठीक बात, आप क्या करिए, आप इसके कंपोनेंट कर लीजिए फोर्स के, ये फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट होने वाला है एफ साइन थीटा। इस ब्लॉक के ऊपर नीचे फोर्स लग रहा होगा एम जी, और इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो मूव करनी है राइट डायरेक्शन में, मूव करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन जो है इसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सो दैट इसको ये रोक सके स्लिप होने से। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, और क्योंकि हम मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पूरी ताकत लगा रहा होगा, सो फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही होगी म्यू इंटू एन के। अब हमें क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा आपको मिलेगा रिलेशन एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर टू। अब आप क्या करिए, इन दोनों वैल्यूज में से एन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, आप एन की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू एन तो आई नहीं रहा है, अच्छा नॉर्मल यहां पे भी तो है, ये नॉर्मल तो भूल ही गए, अच्छा दोबारा शूट होगा, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू के बराबर, इस ब्लॉक के ऊपर कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक मूव करने लग जाए। तो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं, तो आप मान लीजिए कि एंगल थीटा पर हम फोर्स लगाते हैं, तो थीटा भी अज्यूम किया है और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये भी हमने अज्यूम किया है। अब फोर्स के आप दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में दैट विल बी एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कर लीजिए आप होगा एफ कॉस थीटा। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा नीचे एम जी के बराबर, और एक लग रहा होगा नॉर्मल एन के बराबर, और क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी मूव करने की राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और क्योंकि मिनिमम फोर्स पूछा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होने वाली है मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, दैट इज म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन। तो आप इन फोर्सेस को इस फोर्सेस के बराबर कर देंगे और इन फोर्सेस को इस फोर्स के बराबर कर देंगे, तो आपको यहां पे मिलेगा दैट म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन, और एक मिलेगी आपके पास नॉर्मल एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर टू। तो यहां पे नॉर्मल जो है उसको आप एलिमिनेट करिए तो आपको मिलेगा यहां पे एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एफ को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक, ये आंसर आ गया आपका, ये कंप्लीट आंसर नहीं है बिकॉज हमने क्या किया है, वेरिएबल का आंसर वेरिएबल में ही दे दिया है, तो क्या फायदा हुआ इससे, अच्छा तो मैं एफ की वैल्यू कह देता, एफ की वैल्यू एफ है, वेरिएबल का आंसर यदि वेरिएबल में ही देना था तो। तो भाई ये फोर्स जो है ये थीटा का फंक्शन है, फोर्स का जो वैल्यू है ये थीटा का फंक्शन है, और हमें कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है, थीटा को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसे फोर्स की वैल्यू मिनिमम हमें प्राप्त हो सके। तो
ऐसे फंक्शंस को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा की सहायता लेते हैं। तो देखिए हमें इस पूरे फंक्शन को भी नहीं, हमें इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है। डिनोमिनेटर यदि मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी लिख देंगे, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो हमें मिनिमम मिल जाएगी और हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाने वाली है। अब इसको आप मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं डिफरेंशिएशन वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत मेन स्ट्रीम है। आप और एपी जीपी वाले भी लगा सकते हैं। तो भाई आप इसको डिफरेंशिएट करिए डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर डी मान लिया मैंने कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करिए, डी डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, म्यू की वैल्यू टेन थीटा है, म्यू की वैल्यू टेन थीटा आ गई आपके पास। तो आप साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो भाई आपको टेन थीटा मिल गया है, थीटा टेन थीटा इज म्यू, तो आपको ये मिल जाएगी साइड वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा आपको मिलेगा यहाँ पे म्यू अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, और कॉस थीटा आपको मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये वैल्यूज जो हैं आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा म्यू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो है आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये आपको रिवाइज करना ही है जब आप जे के लिए जाएं, तो क्वेश्चन का आंसर याद रखें और ये प्रोसेस जैसे हमने किया है उसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। आगे सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक वेज है, इस वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करते हैं एक्सेलरेशन ए से, वेज को एक्सेलरेट करें एक्सेलरेशन ए से। तो हमें एक्सेलरेशन की वो वैल्यू बतानी है जिससे ये ब्लॉक जो है इट्टस से मस ना हो, ये मूव ना करे। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हमें बेसिकली इसको रेस्ट पे रखना है, इसका इक्विलिब्रियम हमें दिखाना है। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को देखिए विद रिस्पेक्ट टू वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी यदि हमारा ऑब्जर्वर वेज के ऊपर ही है, यदि हमारा ऑब्जर्वर वेज के ऊपर ही खड़ा है, तो उसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखना चाहिए, ये ब्लॉक पहले भी यही होना चाहिए और कुछ समय बाद में भी यही रहना चाहिए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि जब हमारा ऑब्जर्वर, जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन होता है तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है, और ऐसे फ्रेम से देखने पर, ऐसे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखने पर न्यूटन्स के नियम हम नहीं लगा सकते हैं, और इसका जुगाड़ है कि हम सूडो फोर्स यदि लगा दें तो न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। तो हमें इस वेज के रेस्पेक्ट में यदि इस ब्लॉक को देखना है तो हमें ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना होगा, और सूडो फोर्स की वैल्यू होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, दिस इज सूडो फोर्स। और ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वेज, और इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, एक होगा नॉर्मल और एक होगा mg, ये एंगल है अल्फा के बराबर, तो आप इसके कंपोनेंट कर सकते हैं mg के, एक mg का कंपोनेंट होगा mg sin अल्फा, एक mg का कंपोनेंट होगा mg cos अल्फा, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट होगा एम ए नॉट cos अल्फा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम ए नॉट sin अल्फा। तो हम जानते हैं कि मोशन जो है इस डायरेक्शन में ब्लॉक्ड है, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे एम जी साइन अल्फा को आप इक्वेट कर देंगे एम ए नॉट कॉस अल्फा से, सो एम से एन गया और आपको मिल जाता है यहाँ से ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन अल्फा, ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन अल्फा आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि एक 10 केजी का ब्लॉक है जो एक रोप से सस्पेंडेड है। देखिए सवाल में क्या है कि एक रस्सी है जिसका लेंथ है 4 मीटर और यहां से एक ब्लॉक अटैच है जिस ब्लॉक का मास है 10 kg। अब क्या किया गया है कि इस रोप के मिडिल में हमने एक फोर्स लगाया इस तरीके से और इस स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया, इस स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया, और अब ये जो स्ट्रिंग है ये एंगल 45 बनाती है, ये एंगल जो है वर्टिकल से अब 45 डिग्री बनता है और फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स हमने लगाया, तो ये जो ब्लॉक है ये तो वर्टिकल ही रहेगा अभी भी, ये ब्लॉक जो है अभी भी वर्टिकल ही रहने वाला है, लेकिन अब पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो इसका मतलब इसका रोम रोम इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इसका हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में आ चुका है, हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है। तो इस 10 केजी के ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन और एक इस रस्सी में टेंशन लग रहा होगा T1 के बराबर और इस रस्सी में मान लीजिए फोर्स लग रहा है T2 के बराबर। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इस पॉइंट का, इस जंक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए। तो इस जंक्शन के ऊपर फोर्स लग रहा है F के बराबर, एक रस्सी में टेंशन है यहाँ पे T' के बराबर और एक टेंशन है यहाँ पे T1 के बराबर, और T1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 100 न्यूटन के बराबर।
बिकॉज ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम है, तो ये फोर्स बराबर ये फोर्स T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब सारे एंगल जो है वो 45 है, तो ये 45 है, तो ये हो जाएगा आपके पास टी डैश बाय रूट टू, और ये भी बन जाएगा आपके पास टी डैश बाय रूट टू। इसको बराबर इसके करते हैं, इसको बराबर इसके करते हैं, टी वन की वैल्यू पहले से ही 100 न्यूटन आ रखी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन के बराबर, 100 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है कि एक स्फीयर है जो सस्पेंडेड है लाइक दिस, ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो आपको बताना क्या है कि टेंशन कितना होगा इस रस्सी में, रस्सी में टेंशन कितना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए तो ये 8 है तो ये हो जाएगा आपके पास 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर के बराबर। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 के बराबर, और आप इस एंगल को मान लीजिए थीटा के बराबर है, इस एंगल को मान लीजिए थीटा के बराबर है। मैं आपको यहां पे इसको ऐसे दिखाता हूं, एक ऐसा ट्राइंगल आपको मिल रहा है लाइक दिस, ये 13 है, ये एंगल है थीटा, और ये है आपके पास 5, और यहां पे एक ब्लॉक का सेंटर है, इस स्फीयर का सेंटर यहां पर है, और इस स्फीयर के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक लग रहा है एमजी, और एक लग रहा होगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और एक रस्सी में टेंशन होगा टी के बराबर, ये फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। ये एंगल थीटा है बेटा, तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल भी क्या होगा थीटा के बराबर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि टी के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। इस स्फीयर को इक्विलिब्रियम में आप दिखा सकते हैं इक्वेशंस की हेल्प से, तो आपको मिल जाएगा यदि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, ये स्फीयर जो इक्विलिब्रियम में है, तो सारे फोर्सेस जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहां पर आपको मिलेगा एन इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो आप इस इक्वेशन से लिख सकते हैं टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालें, कि भाई ट्राइंगल आपके सामने दिया है कि ये एंगल है 90 डिग्री के बराबर, तो ये 13 है, ये 5 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि 12 के बराबर है, तो आप कॉस थीटा यहां पे इस ट्राइंगल में लिख दीजिए कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा आपके पास एम जी अपॉन कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 13 एम जी बाय 12 आपके पास आंसर मिल जाएगा, और एम जी को यहां पे W कहा गया है वेट, तो आपको आंसर मिल जाएगा 13 बाय 12 इंटू W, 13 बाय 12 इंटू W, डी ऑप्शन जो है आपको सही मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि एक इंसेक्ट है और वो एक हेमिस्फेरिकल डिच, हेमिस्फेरिकल गड्ढे में जो है वो बेचारा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बेचारा कीड़ा जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है लगातार, आहा क्या दर्दनाक स्टोरी है। यहां से चलता है, यहां तक पहुंच जाता है बेचारा, यहां तक पहुंच जाता है, मैंने मान लिया कि ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा के बराबर, ये एंगल मान लिया थीटा के बराबर, तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि बॉटम से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो कितनी होगी, इसका रेडियस आपको दिया है रेडियस आर के बराबर है। यदि यहां पे स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्लिप होने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन ने साथ छोड़ दिया है, फ्रिक्शन ही इसको ऊपर तक लेके जा रहा था, फ्रिक्शन ने साथ छोड़ दिया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नीचे ले आया है, और ये वापस यहां पर पहुंच जाएगा बेचारा, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और लिमिटिंग कंडीशन लगा सकते हैं कि फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू होल्ड द इंसेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल एन, एक लग रहा होगा नीचे एमजी के बराबर फोर्स, और ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा मिल जाएगा आपको, और ये एंगल भी थीटा मिल जाएगा आपको, तो एमजी का एक कॉम्पोनेंट होगा यहाँ पे एमजी कॉस थीटा, और mg का एक कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग, दैट विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा इस तरह आएगा कंपोनेंट, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो है वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जवाब दे चुका है, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी अब इसको ओवरकम नहीं कर पा रही है, तो मैंने लिमिटिंग कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है म्यू इनटू n, तो नॉर्मल की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे आप लिख देंगे इसको म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा क्वेश्चन नंबर 2। आपको थीटा मिल जाएगा तो आपको हाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, ये रेडियस है आर के बराबर, तो इस रेडियस का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास आर कॉस थीटा, और ये हाइट आपको निकालनी है एच, तो आप एच को लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा,
आर माइनस आर कॉस थीटा, आप एच की वैल्यू लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक टाइम वेरिंग फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू के टी लगाया जाता है, तो आपको बताना है कि उसकी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक जब ब्लॉक पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स बेचारा टाइम वेरिंग है, फोर्स टाइम वेरिंग है, धीरे धीरे समय के साथ इसकी वैल्यू लीनियरली बढ़ती है, तो ब्लॉक जो है इसके ऊपर फ्रिक्शन लगते हैं ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड और इस सरफेस की वजह से यहां पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बेचारा वेरिएबल होता है, नॉट बेचारा, जो वेरिएबल होता है, चलाक होता है, और इसकी वैल्यू जीरो से लेके म्यू एस इंटू एन तक चली जाती है, म्यू एस इंटू एन तक चली जाती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये कॉन्स्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन तक होती है। तो जब तक फोर्स जो है इस म्यू एस इंटू एन को ओवरकम नहीं कर पाता है तो ब्लॉक जो है रेस्ट पर रहता है, यानी ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, यानी ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा जीरो टिल जो फोर्स है आपका वो कम रहता है या बराबर रहता है म्यू एस इंटू एन के बराबर। इतना फोर्स जब होगा तब तक जो है ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो बताइए इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो कौन कौन से ग्राफ में पॉसिबल है। तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो है इनिशियल, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो तीनों हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है, म्यू एस एम जी से ज्यादा हो जाती है, तो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता है, और ब्लॉक चलना स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे लगने लग जाता है। तो जब फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है बेटा म्यू एस इंटू एम जी के बराबर, तो क्या होता है फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक टाइप का लगता है और वो कांस्टेंट हो जाता है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि बाहर फोर्स है एफ, पीछे फ्रिक्शन है काइनेटिक विच इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इसका है ए के बराबर, तो ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाय मास। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो स्ट्रेट लाइन की तरह वेरिएशन आना चाहिए एक्सेलरेशन और टाइम में। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है बट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, एफ की वैल्यू केटी है ना भाई, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ है इन चारों में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन में दिया है कि एक ब्लॉक है इसको इस वॉल के अगेंस्ट दबाया जाता है विद फोर्स 10 न्यूटन। तो नॉर्मल जो है वो दो सरफेसेस के बीच में लगता है, तो नॉर्मल इस वॉल की वजह से इसके ऊपर लगने वाला है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है तो मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 10 न्यूटन के बराबर। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक जो है, कि ब्लॉक की टेंडेंसी मूव करने की कहां, ये ब्लॉक कहां जाना चाहता है अपने आप, नीचे। फ्रिक्शन की एब्सेंट में इसकी टेंडेंसी देखिए नीचे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। यदि ब्लॉक रुका हुआ है तो स्टैटिक टाइप का फ्रिक्शन होगा, यदि ब्लॉक चलने लगता है तो काइनेटिक टाइप का फ्रिक्शन होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि जस्ट का मतलब लिमिटिंग, होल्ड का मतलब रुका हुआ है तो स्टैटिक, तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात यहां पे की जा रही है। सो Fs इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन के बराबर आपको फोर्स यहां पे लगेगा फ्रिक्शन का, तो आपको वेट निकालना है, mg की वैल्यू निकालनी है। तो बस आप क्या करिए, म्यू एस इनटू एन, एन की वैल्यू 10 निकाल दी हमने, इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू वेट, म्यू एस दिया है 0.2 इनटू 10 इज इक्वल टू w आ जाएगा आपके पास 2 न्यूटन के बराबर, 2 न्यूटन वेट होगा इस ब्लॉक का। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक ब्लॉक है इसके ऊपर 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, लगाया जाता है एक्सटर्नल, और हम कितना मिनिमम इसके ऊपर फोर्स लगाएं, कितना मिनिमम हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। तो डज नॉट मूव का मतलब है कि स्टैटिक की बात कर रहे हैं, और मिनिमम का मतलब है कि हम यहां पे लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं उसकी। तो पी की वैल्यू हमें निकालनी है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना जाए, यानी कि हमें इसको होल्ड करना है जस्ट इनफ दैट इट डज नॉट गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो भाई इसके ऊपर फोर्स देख लेते हैं किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये 10 है तो इसका एक कॉम्पोनेंट होगा mg का, mg cos 45 इज रूट टू, सो 100 बाय रूट टू फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। एक होगा यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, और एक यहां पे होगा mg cos थीटा, दैट विल आल्सो बी 100 बाय रूट टू। mg का एक कॉम्पोनेंट सर, नॉर्मल का इधर इस डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम है तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं, तो आपको मिलेगा यहां पे नॉर्मल इज इक्वल टू 100 बाय रूट टू, नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां फोर्स है इतना, यहां लगाना चाहते हैं हम
मिनिमम फोर्स सो दैट इट डज नॉट गो डाउनवर्ड. तो जैसे ही इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, ये नीचे नहीं जाना चाहिए, तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एफ एस मैक्स. फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यदि ये ब्लॉक ऑलमोस्ट नीचे जाने वाला है तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए अपवर डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इसका सहयोग करेगा कि भाई नीचे नहीं जाना चाहिए. यदि हम इतना ज्यादा फोर्स लगा दें कि ब्लॉक ऊपर चलने लग जाए तो फ्रिक्शन उस केस में नीचे की डायरेक्शन में लगेगा. फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग को रोकना, स्लिपिंग नीचे की तरफ होने वाली है तो फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकने वाली साइड में लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. तो आप इन फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए. सो एफ एस मैक्सिमम प्लस पी इज इक्वल टू 3 प्लस 100 बाय रूट. सो इसकी वैल्यू है म्यू इंटू एन. म्यू कितना है आपके पास 0.6 इंटू नॉर्मल है आपके पास 100 बाय रूट 2 प्लस पी इज इक्वल टू 3 प्लस 100 बाय रूट 2. इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपको पी मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक लाइट स्ट्रिंग है जो स्मूथ पुली के ऊपर से होके आती है, दो ब्लॉक्स उससे अटैच्ड हैं m1 और m2. एक्सेलरेशन कहा है कि यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन g/8 है, सिस्टम का एक्सेलरेशन g/8 है, तो आपको उनके मासेस का रेशियो बताना है, उनके मासेस का रेशियो कितना होगा. तो सिस्टम कुछ ऐसा है, ये आपके पास ब्लॉक है m1 मास का, ये है आपके पास m2 मास का, और मैंने मान लिया कि इनमें से एक ज्यादा है एक कम है, तभी ब्लॉक मूव कर पाएंगे. m1 मान लिया मैंने m2 से ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन a से, रस्सी से कनेक्टेड है तो इसको भी सेम मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से जाना होगा. अब आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, तो इसके ऊपर टेंशन मान लीजिए टी, तो इस पे भी टेंशन होगा टी, यहाँ पे फोर्स लगेगा m1g, यहाँ पे फोर्स लगेगा m2g. इनके फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से आप न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करिए तो आपको मिलेगी इक्वेशन m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी आपको टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलना चाहिए ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2. और आप इसमें तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन दिया है कितना g/8, तो मिल जाएगा g/8 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो यहां पे g भी है, g से g गया, तो आप यहां से सॉल्व कर लेंगे m1 m2 में रिलेशन आ जाएगा तो आपको रेशियो भी पता चल जाएगा.